हम सब साथ आएं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे, ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं, उपलब्धियां हैं नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव ही नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहां जानकारी की अपने लोगों से, जो जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कहाँ लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीड सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ और मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लाइन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लायन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे साथ, आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसलिए कोई कुछ कहता रहे,
ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए हैं, डैमेज कंट्रोल में चले गए तो समझ में नहीं आ रहा होगा।